हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न की चैट रेसिपीज। इसे हम अलग अलग चार प्रकार से बनाएंगे, तो देखते हैं पहले क्या क्या हमें लगने वाला है इसके लिए। सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लेते हैं। ये मैंने गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है, उसमें मैंने पानी डाल के हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अभी हम इसमें ये आधा किलो मैंने कॉर्न लिए हैं, ये इसमें ऐड करते हैं। 7-8 मिनट हम इसे बॉईल करके लेंगे। साथ में ही इसमें हम ये नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है और 1/2 टीस्पून हम शुगर डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, हमारे कॉर्न बॉईल हो चुके हैं। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं, पर इन्हें हम पानी में ही रहने देंगे और जैसे ज़रूरत है हमें वैसे वैसे हम निकाल लेंगे। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने एकदम गरम कॉर्न लिए हैं। इसमें हम ये 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। ये गरम कॉर्न में ही हमें बटर डालना है और इसे थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छा शाइन भी आएगा और अच्छा टेस्ट भी आएगा। अभी बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हम इटालियन फ्लेवर वाला बना रहे हैं। ये ब्लैक पेपर पाउडर है, मिक्स हर्ब है, ये मेरे पास पिज़्ज़ा के सीजनिंग के सैचे है, उसमें से मैं ऑरिगेनो यूज़ कर रही हूँ। ये चिल्ली फ्लेक्स है और साथ में ही हम थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर देते हैं। ये 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम ये थोड़ा सा चीज़ का हमने क्यूब लिया है, ये इसे घिस के इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम ऊपर से डालेंगे और थोड़ा अंदर डाल देंगे उसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इटालियन फ्लेवर वाला स्वीट कॉर्न बनके तैयार हो चुका है। इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी हम ये दूसरा फ्लेवर बना लेते हैं, मसाला चीज कॉर्न। इसमें हम ये बटर डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने बटर लिया है, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। सभी रेसिपीज के लिए कॉर्न हमें गर्म ही चाहिए। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। अभी मैं पहले इसमें थोड़े जो मसाले हमें लेने हैं वो डाल लेती हूँ। ये 1/2 टीस्पून हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। ये 1/4 टीस्पून हमने नमक लिया है। ये चीज़ पाउडर हम ले रहे हैं, ये 2 टेबलस्पून हम चीज़ पाउडर इसमें डालेंगे। ये मेन फ्लेवर हमें चीज़ का ही चाहिए इसमें और बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए, प्याज लिया है मैंने, वो 1 टेबलस्पून हम लेंगे। ये बॉइल्ड आलू है, ये हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालेंगे, ये 2 टेबलस्पून हमने लिया है। टमाटर लिया है हमने, वो भी हम 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डालेंगे, 1/4 टीस्पून। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें ऐड कर देते हैं। ये चीज़ पाउडर की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स, अभी हमारा जो अगला फ्लेवर है वो पेरी पेरी मसाला, कॉर्न पेरी पेरी मसाला है। इसके लिए ये 1 टेबलस्पून बटर हमने डाल लिया है। ये इसमें हमने बॉईल किया हुआ कॉर्न हम इसमें ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेंगे। ये
ये एक टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा हम प्याज डालेंगे, एक टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा हम शिमला मिर्च डालेंगे, वो हमने बारीक कट करके ली है, और एक टेबल स्पून हम टोमेटो डालेंगे, ये थोड़ा सा आलू हम इसमें डालेंगे, ये आलू हमने दो टेबल स्पून लिया है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे। ये दो तीन मिनट हमने सभी चीज़ों को अच्छे से बटर में फ्राई कर लिया है। अभी हम मसाले इसमें ऐड करते हैं। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, जो मैंने हाफ टी स्पून लिया है, और ये पेरी पेरी मसाला हम बना रहे हैं तो पेरी पेरी मसाला हम इसमें दो टेबल स्पून डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर करके देखिए। ये हाफ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, और थोड़ा सा हम इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे। यह हाफ टी स्पून हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, ये भी इसमें डाल लेते हैं, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी हम अगला फ्लेवर हमारा बना लेते हैं। इसके लिए हमने ये एक टेबल स्पून बटर डाल लिया है। ये हम शेजवान कॉर्न की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बटर में हम ये प्याज डाल देंगे, दो टेबल स्पून हमने प्याज दिए हैं। प्याज को हमने एक मिनट के लिए अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया है। इसमें हम अभी शिमला मिर्च ऐड करेंगे, ये भी हमने दो टेबल स्पून लिया है। इनके साथ में ही हम कॉर्न को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि कॉर्न भी हमें बटर में भूनने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दो तीन मिनट के लिए हमने अच्छे से इसे स्टर फ्राई कर लिया है। अभी हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं, जिसमें हमने ये एक टीस्पून मैंने वाइट पेपर पाउडर लिया है। आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, पर चाइनीज़ में वाइट पेपर पाउडर का टेस्ट अच्छा लगता है। साथ में ही हम नमक डाल लेते हैं। नमक भी हम स्वाद अनुसार डालेंगे, पहले भी बॉईल करते हुए हमने नमक डाला है, तो ये हाफ टी स्पून नमक मैं इसमें ऐड करती हूँ। और अभी हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो करके इसमें शेजवान चटनी ऐड कर लेते हैं। ये पहले मैं एक टेबल स्पून शेजवान चटनी डालती हूँ, और लगा तो और हम थोड़ा सा डाल लेंगे। ये चाइनीज फ्लेवर का स्वीट कॉर्न बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। ये मैं शेजवान सॉस और हाफ टी स्पून इसमें ऐड करती हूँ। ये देखिए, और ये हमने स्प्रिंग ऑनियन लिया है थोड़ा सा, एक टेबल स्पून, जिसे हमने बारीक कट करके लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चाइनीज फ्लेवर वाला स्वीट कॉर्न बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा इटालियन फ्लेवर वाला स्वीट कॉर्न, ये पेरी पेरी मसाला स्वीट कॉर्न, ये है चीज मसाला स्वीट कॉर्न, और ये है चाइनीज फ्लेवर वाला मसाला स्वीट कॉर्न। तो इन सब की रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।